अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब लोग? और कहाँ कहाँ कैसा कैसा मौसम है? हमारी तरफ कराची में बहुत गर्मी हो रही है इस वक्त शदीद, लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, काम नहीं रुकता। काम तो करना ही होता है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि हम काम कर सकते हैं। तो जी इधर भी चल रहा है काम, तो करते हैं जी आज के ब्लॉग को स्टार्ट और देखते हैं कि आज के दिन में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और इधर जो है मैं अपने कपड़ों का जो मेरा शेल्फ है, घर में पहनने के जो कपड़े होते हैं सर्दियों के और गर्मियों के, उनको जी ज़रा तरतीब से करके रख रही हूँ ऑर्गेनाइज वे में, ताकि कपड़े निकालने में कभी दुश्वारी ना हो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलमारी सही रहती है, लेकिन जी थोड़ा और इसको जो है ना वो ज़रा डीक्लटर करना था, झाड़ पोछ करनी थी, तो बस वही काम जो है वो चल रहा है। और ये हैं जी मेरे सर्दियों के पहनने के कपड़े। कराची में वैसे भी सर्दी बहुत ही कम पड़ती है, तो जी ये उसी हिसाब से जो है ना वो थोड़े ही कपड़े होते हैं। तो जी बस ये काम चल रहा है अभी। ये हो गई जी सारी की सारी सेटिंग, इस तरफ आ गए जी घर में पहनने वाले लॉन के सूट, इस तरफ आ गए जी घर में पहनने वाले कॉटन के सर्दियों के जो कपड़े वगैरह जो होते हैं वो हैं जी इस तरफ। और इतना भी बुरा अशर वैसे नहीं हुआ था, सही था, लेकिन फिर मुझे लग रहा था थोड़ा सा मुझे जो है झाड़ पोछ कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो जी इस तरह से जो है वो सारे कपड़ों को मैंने अरेंज करके रख दिया है और अब जी चलते हैं किचन में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोबारा से नूडल्स बनने की तैयारी हो रही है, क्योंकि मुझे लग रही है भूख खाने का भी टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो दोबारा से जो है ना वो थोड़े से नूडल्स बना लिए जाएं, क्योंकि रात को तो मैंने शेयर किए थे भांजी के साथ, तो इस टाइम में मेरा इरादा है कि मैं सारे खुद ही खा लूँगी। तो चलिए जी बनाते हैं नूडल्स। देखिए दोस्तों, एक तरफ जो है बॉयल हो रहे हैं मेरे नूडल्स मज़ेदार से, और जी एक तरफ ये जो है मिक्सर जो है वेजिटेबल और चिकन का, ये गर्म हो रहा है। दोस्तों नूडल्स हमारे एकदम शानदार से रेडी हो गए हैं, अब बस इसको हम वेजिटेबल्स में मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों, मज़ेदार सा ये हमारा मिक्स होके जो है वो रेडी हो गया, लग रहा है ना एकदम शानदार मज़ेदार, माउथ वाटरिंग टेम्पटिंग, क्या बोलूँ मैं इसको, इतना ये यमी होता है ना इसको, अगर इस तरह से नूडल्स के साथ बनाया जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। अच्छा जी, अब जी मैं तो चली जी इसको खाने के लिए, क्योंकि मुझे लगी है ज़बरदस्ती भूख। और जी फिर बताते हैं जी आपको कि आज के दिन में और हमने क्या क्या कुछ किया। देखिए जी दोस्तों, ये हमारा स्टेबलाइजर जो कि आज अचानक से ख़राब हो गया, और वो तो शुक्र है कि हमें पता चल गया कि ये ख़राब हो गए, और बड़ी हमने जो है इसके चक्कर में भाग दौड़ करी, और हम फिर गए मार्केट और जाके जो है वहाँ से हमने परचेज़ किए जी एक्सटेंशन वायर, फिर मैंने लाके अभी अभी इसको कनेक्ट किया है फ्रिज से, और बड़ी इसके चक्कर में बड़ी भाग दौड़ जो है ना वो हमारी रही है। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो काम जो है ना हमारा वो हो गया, फ्रिज ऑन हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों इधर जी ये कुछ लाइट सा जो है ना, हमने एक शोरबे वाला सालन बनाया है चिकन का। दो दिन से अम्मी की भी तबीयत हमारी थोड़ी डाउन चल रही थी, तो हमने कहा चलो ज़रा कुछ ताकत वाली चीज़ बना ली जाए। तो जी ये शोरबा जो है लाइट सा चिकन का, ये जो है हमने बनाया है। अच्छा जी, तो आज का दिन यही था अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ताला जी बहुत जल्द मिलेंगे आपसे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।